हेलो मित्रों, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एडु मंत्रा। तो यहां पर सीबीएसई की तरफ से एक और बहुत बड़ा जबरदस्त न्यूज आया हुआ है। एंड ये जो चीज है ना, मतलब इट इज लाइक कि भाई दो बार जो साल में एग्जाम देने कराने वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं कि दिस इज फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी एक बार ये जो SA1 SA2 वाला सिस्टम आया था, इस साल इसको स्पेशली दिस ईयर 2021-22 के लिए क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई पिछले दो बार से एग्जाम कैंसिलेशन वाला जो सिस्टम, मतलब उससे पहले, अभी तो कैंसिल पूरी तरह से हुआ था, इससे पहले भी कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए थे ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आगे की सर्टेनिटीज कितनी होंगी, ये चीज़ जो है ऑब्वियसली हमारी CBSE जानती है, और उसी चीज़ को कंसर्न में रखते हुए यहाँ पर इतना बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या कुछ है इसके अंदर एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस, तो ये हम देखते हैं। आओ सबसे पहले टर्म वन और टर्म टू के इस सिस्टम को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये है कि भाई हम सोच रहे थे भाई एकदम चिल तरीके से पढ़ रहे हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, तो बहुत टाइम है ना, आराम से ऑनलाइन चल रहे थे। और टर्म वन एकदम से नवंबर और दिसंबर में आपका प्लान कर दिया गया, मतलब टर्म वन का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर इसी स्पैन में, ठीक है, आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, जिसके जो क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड से ही आएंगे। क्या कुछ है इसके अंदर वो भी हम देखेंगे। बट टर्म टू जिसको हम जैसे फाइनल एग्जाम्स बोलते हैं, तो ये फाइनल एग्जाम जो है मार्च या अप्रैल में। तो सर वन और टू का क्या सिस्टम है, क्या इसमें इस वाले टर्म में सारा पूरा सिलेबस आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही जो कुछ साल पहले जो समेटिव वाला सिस्टम था उसी तरीके से, उसी बेस पे है। टेंथ में जैसा इस बार 10th और 12th दोनों के लिए अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि 50% सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली हियर और 50% यहाँ पर, मतलब समझ लो अगर साइंस के 15 या 16 चैप्टर्स में 8 अगर यहाँ आ गए तो ये 8 इधर नहीं पूछे जाएंगे, बचे हुए 8 यहाँ पर आएंगे। समझ गए आप, पूरे सिलेबस को दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन कुछ मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पे रहेगा। ऑब्वियसली अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी यहाँ इंक्लूड करा जाएगा, लाइट यहाँ है तो आपका ह्यूमन आया यहाँ आ जाएगा, मतलब जो कंसेप्चुअली सिमिलर है उसको एक साथ लेने का कोशिश किया जाएगा, उसका अभी क्लैरिटी नहीं दिया गया है हालांकि। इतना समझ लो कि एक पूरे सिलेबस को दो हाफ में थोड़ा ईज में यहाँ पर कन्वर्ट दिया गया है। और इसके ये एग्ज़ाम यहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होगा और यहाँ पर कैसे होगा, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया कुछ बच्चों को होगा यहाँ पर कि द क्वेश्चन पेपर विल हैव MCQ। यहाँ पर देख लो जो MCQ फॉर्मेट में आपको इधर पे देखने को मिलेगा, टर्म वन का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो पहला 50% है उसमें MCQ फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। एसर्शन रीजन टाइप होंगे, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, एंड विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म वन ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्म वन का सिलेबस होगा, नॉट द एंटायर सिलेबस, ठीक है, 50% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द होल सिलेबस, यानी आधा सिलेबस यहाँ रहेगा। और ये MCQ फॉर्मेट 90 मिनट्स का है, ओके। और क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम, पूरा CBSE की तरफ से आएगा, यानी जो नवंबर में दिसंबर में एग्जाम प्लान करा जाएगा उसका पेपर भी CBSE की तरफ से आएगा, जो मोस्टली आपका MCQ फॉर्मेट यहाँ पर 90 मिनट्स का कवर किया जाएगा यहाँ पर। और क्या है, रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड बाय, ऑब्वियसली अब यहाँ पर थ्योरी टाइप तो है नहीं कि पूरा आपको डिटेल में लॉन्ग आंसर लिखने, वैसे यहाँ पर तो प्लान है नहीं, तो ये OMR शीट के फॉर्म में। OMR क्या है, देखो इस तरह की शीट होती है जिसमें आपको क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस तो होंगे पर आपको आंसर तो ऐसे नहीं MCQ फॉर्म में लिखना है, तो या तो A या तो B या तो C या तो D, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने पेंसिल से इसको, मान लो पहले वाले का आंसर B है तो आप इसके अंदर इसको फिल कर देते हो, है ना, B को ऐसे कवर कर देते हो, ओके, जो करेक्ट आंसर उसको ऐसे कवर कर दिया जाता है। दूसरे वाले का आंसर ई है मान लो, तो ई को ऐसे कवर कर दिया गया, हालांकि यहाँ पर ABCDE दिया हुआ है, नॉर्मली देयर आर 4 ऑप्शंस। तो इस तरीके से ये OMR शीट फिल करी जाती है, यही आपका आंसर शीट होगा, और सेम डे बोर्ड जो है इसको या स्कूल जो है इसको अपलोड कर देगा, जहाँ पर ये बहुत आसान होता है चेक करना बेसिकली, ठीक है। ये कुछ आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है, कि अगर बाई चांस इस बार भी सिचुएशन सही नहीं हुए जो कि मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो फिर ये सिस्टम से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना आसान हो जाएगा। और इस चीज़ को लेके और इंटरनल जो भी आपका असेसमेंट्स होगा उस चीज़ को कंसिडर करते हुए, प्रैक्टिकल्स, ठीक है, अलग अलग जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उनकी बेसिस पे इस बार जो है प्लान या जो भी आपका मार्क्स देने का सिस्टम
किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन सिनारियोज है, वो भी हम यहाँ बात करेंगे। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि टर्म वन वालों, आपका आधा सिलेबस यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम हो गया, बचे हुए आधे सिलेबस का कैसे होगा एग्जाम, तो यहाँ पर डिफरेंट है। इधर पूरा लॉन्ग आंसर सब कुछ कवर होगा, जैसे नॉर्मल आपका बोर्ड एग्जाम होता है उस तरीके से। हालांकि सिलेबस सिर्फ 50% होगा। सो ये मार्च और अप्रैल में लिया जाएगा। पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड हैविंग क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो आपको बताया गया था ना इस बार कि ऐसे कुछ कम्पिटिटिव या कम्पिटेंसी वाले इंक्लूड करे जाएंगे, तो वो सब कुछ के हिसाब से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब है। प्रॉपर थ्योरी आपका डिटेल्ड वाला यहाँ पर 2 घंटे का पेपर लेने का प्लान है। अब इसमें कंडीशंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। इनकेस सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव, यहाँ भी बोल दिया कि अगर मान लो कि उस टाइम पे ऐसे हुआ कि एग्जाम लेने लायक सिचुएशन तब भी नहीं रहा मार्च अप्रैल में भी 2022 में भी, तो क्या किया जाएगा। इन दैट केस तो इसी सिस्टम से, यही सिस्टम यहाँ पर फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट MCQ बेस विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म टू ऑल्सो, ठीक है। तो जो सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाएगा वही सिस्टम यहाँ पर फॉलो करा दिया जाएगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि इसी तरीके से होने का अगर बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर दिसंबर तक बहुत, मतलब काफ़ी जगहों पर स्कूल नहीं खुले, ठीक है। क्योंकि जैसे हालात लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कोविड के ये नए वेरियंट जो पाए गए हैं, जिस वजह से पॉसिबिलिटी है कि ये तब तक स्कूल जो है पूरी फंक्शनिंग में ना आ पाए पूरे इंडिया में, ओके। एंड कहीं कहीं पे हो सकता है खुल जाए, बट नॉट एवरीवेयर, ओके। इसके बाद अब देखो यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस भी बताई गई हैं CBSE द्वारा। क्या है वो सिचुएशंस? पहली तो है कि इन केस द पैंडमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल एंड सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। अगर मान लो कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, मतलब पहले ही लाइक नवंबर दिसंबर में ही अगर एग्जाम प्रॉपरली, पहला टर्म वन का एग्जाम भी अगर प्रॉपरली लिया जा रहा है, जहां पर प्रॉपर CBSE की तरफ से जो मॉडरेटर्स या जो सुपरवाइजर से अगर वो आके प्रॉपरली एग्जाम दिला पा रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा। मतलब टर्म वन का एग्जाम भी अगर सिस्टमैटिकली स्कूल में हुआ, ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में, आपके लोकल दूसरे स्कूल में आपका सेंटर पढ़ सकता है, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे सिचुएशन में आपका टर्म वन का जो एग्जाम हुआ और टर्म टू का जो एग्जाम हुआ, दोनों की वैल्यू इक्वल मानी जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ का और यहाँ का जो मार्क्स है, दोनों का परसेंटेज मान लो एवरेज निकल जाएगा, इक्वल वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि टर्म वन भी आपका प्रॉपर स्कूल में एग्जाम हुआ होगा और टर्म टू भी, ठीक है। तब ये वाली सिचुएशन में आपको इक्वल वैल्यू टर्म वन और टर्म टू के एग्जाम के मार्क्स की जाएगी। लेकिन इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर, यानी टर्म वन वाला जो एग्जाम है उस टाइम तक भी अगर स्कूल नहीं खुले, सिचुएशन सही नहीं हुए, लेकिन टर्म टू वाला प्रॉपरली अगर हुआ है स्कूल या सेंटर में एग्जाम, मतलब मान लो दिसंबर तक स्कूल नहीं खुले, यानी आपका पहला एग्जाम तो वैसे भी सेंटर्स में नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में और मान लो दूसरा एग्जाम प्रॉपरली सेंटर्स में हो पाया, यानी मार्च अप्रैल वाला, तब क्या होगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे टर्म वन का जो वैल्यू है, जो भी आपका प्रोजेक्ट्स और जो भी आपने इसको घर से ही फ्रॉम होम ही आपने अगर एग्जाम दिया हो, तो उसकी वैल्यू, टर्म वन के एग्जाम की वैल्यू जो है वो रिड्यूस की जाएगी, और ज़्यादा वेटेज कौन से एग्जाम को दिया जाएगा, जिस कौन से मार्क्स को दिया जाएगा, टर्म टू वाले मार्क्स को, बिकॉज वो आपने स्कूल जाके दिया होगा, ठीक है, ओके। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 22 बट टर्म वन एग्जाम वर हेल्ड इन द स्कूल और सेंटर्स, मतलब अगर मान लो ऐसा है कि अगर आपका टर्म टू वाला यानी मार्च अप्रैल में सिचुएशन खराब हो जाती है, लेकिन टर्म वन वाला एग्जाम अगर आपने प्रॉपरली स्कूल में जाके दिया है, तब वेटेज ऑब्वियसली टर्म वन का ज्यादा लिया जाएगा, टर्म टू का कम, ठीक है। एंड इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर, यानी कि टर्म वन में भी नहीं खुल पाया, टर्म टू में भी नहीं खुल पाया, ऐसे में क्या होगा, वही आपका जो इंटरनल्स जो भी है, जो भी आपने दोनों एग्जाम्स का, जिस मतलब मान लो अगर ऑनलाइन के बेस पे हुआ, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट्स हुआ, आपका जो असाइनमेंट्स हुआ, ठीक है, आपके जो तीन जो पीरियोडिक टेस्ट हुए, अगर उन सब के चीज़ों को कंसिडर करके, और जैसे इस बार लगभग मार्किंग सिस्टम था, ठीक है, इससे थोड़ा डिफरेंट ही होगा, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरनल वाली चीज़ों को वेटेज लेके और फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारी सिचुएशंस इसलिए बता दी गई हैं पहले से ही, ताकि बच्चों के अंदर या पेरेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई इस बार भी क्या होने वाला है, वी डोंट नो। थोड़ा अंदाज़ा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और इससे आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर भी मतलब ये बताया गया है कि हो सकता है कि दिवाली तक या फिर ये नवंबर दिसंबर तक स्कूल ना खुले, तो उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। लेकिन एंड में एक और बात बोली गई है, इन द अबाव केसेस डेटा एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड होम बेस्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बच्चों का को कैसे एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रॉपरली जितने भी इंटरनल असेसमेंट्स और जो भी होम बेस्ड एग्जाम्स है उन सारे चीज़ों का प्रॉपर एक एवरेज आउट करके ही ये चीज़ करी जाएगी, और कोई तो तरीका है नहीं, तो इसी चीज़ को बेस बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, अब मैं तो ये पहले चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपको ये वाले सिस्टम में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि भाई आप पॉज करके और यहाँ बताओगे व्हाट थिंग यू फील लाइक कि यहाँ पर अच्छा या बुरा आपके लिए लग रहा है आपको। क्योंकि हमारी जो एनालिसिस और हमने जो थोड़ा पहले का जो पहले भी ये सिस्टम था उसमें एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी थी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले सिलेबस डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ठीक है। जब सिलेबस दो हाफ में डिवाइड होता है तो एक तरीके से ईजी भी होता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है। ईजी कैसे हो सकता है? ईजी ऐसे हो सकता है कि चाहे ठीक है ना भाई, जो एक साल में पढ़ के हम एक बार में एग्जाम देते उतना सारा रिविजन करना पड़ता था, अब दो हाफ में हो गया, मतलब आधे का एग्जाम आपने इधर दे दिया आधे का उधर दे दिया, सो बाई दैट वे इट इज ईजी। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने दो हाफ में कर दिया तो क्या होता है, इन डेप्थ क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर थोड़ा उसके लेवल को बढ़ा दिया जाए, जो कि बोला ही गया इस बार कॉम्पिटेंसी बढ़ाया जाएगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको भले ही 5 चैप्टर हो या 6 चैप्टर हो एक एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें क्या होगा, वहाँ पर डेप्थ पूछी जा सकती है। हालांकि चैप्टर्स डिवाइड अभी तक नहीं किए गए हैं, ठीक है। ईयरली ट्वाइस एग्जाम्स, सो इट मे इंक्रीज, लाइक कुछ बच्चों का जो प्रेशर है स्ट्रेस है ये बढ़ाया जा सकता है बाय दिस, ठीक है। तो आप लोग बताना कि ईयरली ट्वाइस एग्जाम आपके लिए बेहतर आपको लग रहा है या फिर कैसा मॉडल है, ठीक है। अपनी अपनी राय होगी ऑब्वियसली। फर्स्ट सेशन MCQ, तो जो अगर पहला जो टर्म वन वाला एग्जाम है अगर पूरा MCQ फॉर्मेट है, MCQ देखो उसको इजी भी बनाया जा सकता है और उसको लेवल अप भी किया जा सकता है। और अगर CBSE की तरफ से आ रहा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको हो सकता है कि 60% ऑफ द क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओ, लेकिन 40% फिर भी उठाया जा सकता है, ठीक है। सो आपको उस तरीके से तैयारी करनी होगी। स्कूल कब ओपन होंगे, तो ये जिस तरीके से जिससे बताया गया है ना, इसमें चांसेस अगेन यही है कि स्कूल ओपन करने की कोई जल्दी ना मचाए, उसी लिए ये चीज़ बहुत जल्दी आपके लिए बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद इन डेप्थ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि इन डेप्थ क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस बार ज़रूरी होगा कि आपको सही तरीके से और डिटेल में आपको चीज़ें पढ़नी होंगी, जिसकी पढ़ाई आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई पढ़ाई शुरू कर दो, एंड आपको बहुत डिटेल वाली चीज़ें बता दी गई है। हालांकि कौन सा वाला टर्म वन और कौन सा वाला टर्म टू में आने वाला है वो चीज़ नहीं बताया गया है, बट फिर भी आप शुरुआत की चैप्टर्स तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इंक्लूड आपको फर्स्ट टर्म वन में करे जाएंगे, पर ऐसे नहीं है, वो पढ़ना तो है ही, तो आप अपना जब तक वो आ रहा है, जुलाई एंड में बोला गया है, तो जब तक वो आ रहा है तब तक आप अपनी तैयारी रखो, ठीक है, उसका वेट ना करो। एंड आई होप कि आपको ये डिटेलिंग समझ में आई होगी। कुछ दिक्कत हो मुझे कॉमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।